डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना टॉपिक है राइजोपर्था डोमिनिका। राइजोपर्था डोमिनिका एक इंसेक्ट है, एक पेस्ट है, जो कि स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है। जो अनाज अपन भंडारित करके रखते हैं, उन अनाज के अंदर, उन सीरियल्स के अंदर जो पेस्ट लगती है, उनको स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट बोलते हैं। जो कि गोदामों के अंदर सुरक्षित अनाज रखा जाता है, उनके अंदर जो पेस्ट लगती है, उनको स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट कहते हैं। और जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट है राइजोपर्था डोमिनिका। साइटोफिलस ओराइजी भी है, ट्राइबोलियम कास्टेनम भी है, इस प्रकार से कई पेस्ट है इसकी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? राइजोपर्था डोमिनिका, जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये एक इंसेक्ट होता है, पेस्ट है ये, जो कि भंडारित अनाज जो है उसको डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। राइजोपर्था डोमिनिका एक इंसेक्ट है, पेस्ट है एक। सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सब जानते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं वो क्लास इंसेक्टा में आते हैं, और जो इंसेक्टा क्लास है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है। तो यहां पर फाइलम आर्थ्रोपोडा है, सब फाइलम इसका मैंडिबुलेट है, क्लास इसकी इंसेक्ट है, क्योंकि इसमें टू पेयर विंग और थ्री पेयर लेग पाई जाती है। टेरिकोटा विंग्स इसमें पाए जाते हैं, सब क्लास टेरिकोटा है। ऑर्डर इसका कोलियोप्टेरा है, क्योंकि इसका जो फोर विंग है वो हाईली स्क्लेरोटाइज होता है, और जीनस है वो राइजोपर्था, और जो स्पीसीज है वो डोमिनिका। इसकी फैमिली है बोस्ट्रीचिडी। ये इसकी फैमिली है बोस्टिचिडी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। राइजोपर्था डोमिनिका है, उसका कॉमन नाम है लेसर ग्रेन बोरर। जो अनाज के दाना होता है उसके अंदर छेद करके ये प्रवेश करता है, तो इसको नाम क्या है, कॉमन नाम क्या है, लेजर ग्रेन बोरर। इसको ऑस्ट्रेलियन व्हीट वीवल भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन व्हीट वीवल भी बोलते हैं इसको। और इसका जो लार्वा है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ये राइजोपर्था डोमिनिका जो स्टोर्ड ग्रेन होता है, जो भंडारित अनाज होता है, उसके ऊपर और उसके अंदर छेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और वहां उसको पूरा का पूरा नुकसान पहुंचाता है। और जब वो उसको डैमेज करता है, तो उसका लार्वा भी डैमेज करता है और उसका अडल्ट भी डैमेज करता है। लार्वा इसका ज्यादा डैमेज करता है, पूरे के पूरे अनाज के अंदर एम्ब्रियो और सारे अनाज को ये खा जाता है, और उसको आटे के रूप में है वो, फ्लोर के रूप में है वो कन्वर्ट कर देता है। केवल बाहर का छिलका, जिसको अपन कर्नेल्स बोलते हैं, केवल वो कर्नेल्स बचता है, और उसके भी वो काफी टुकड़े कर देता है, तो पूरे के पूरे अनाज को ये खराब कर देता है। और जब इसका हैवी इन्फेस्टेशन होता है, इसका जब ज्यादा मात्रा में संक्रमण होता है, तो एक मस्टी स्मेल आती है वहां पर, एक बासी स्मेल सी आती है उस अनाज के अंदर। तो ये इसका हैबिट और हैबिटाट है। टेम्परेट रीजन, ये वैसे कॉस्मोपॉलिटन है, करीब करीब सभी जगह पाया जाता है, लेकिन जो गर्म स्थान होते हैं वहां पर ज्यादा मिलता है। ये कौन कौन से अनाज पे लगता है? इसका होस्ट क्या? एक तो व्हीट है, गेहूं है, मेज मक्का के ऊपर लगता है ये, राइस पे, मिलेट पे, पाल पे, इनके ऊपर ये सबसे ज्यादा, सोरगम पे, तो इनके ऊपर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, व्हीट, मेज, राइस और मिलेट। तो एक तरीके से ये विविल है, छोटा सा घून जिसको अपन बोलते हैं वो है ये, घून भी बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो ये व्हीट, मेज, राइस और मिलेट के ऊपर पाया जाता है। तो अब अपन जानने की कोशिश करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। अब इसकी लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन सी स्टेज है? अडल्ट भी होता है, एग्स होते हैं, इसका जो लार्वा है और प्यूपा, चार स्टेज होती है, ठीक है, अडल्ट, एग्स, लार्वा और प्यूपा। ये अपन ने लार्वा ग्रेन के अंदर दिखाया, ये यहां पर इसकी संरचना दिखाई है अपन ने। तो चार स्टेज होती है इसमें, अडल्ट, एग्स और लार्वा और प्यूपा, ये चार स्टेज होती है। एक एक को लेते हैं अपन। सबसे पहले देखिए, ये अपन ने यहां पर अडल्ट बना रखा है। ये जो अडल्ट है वो ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है, या तो ब्लैकिश मिलेगा या ब्राउनिश कलर मिलेगा, चमकीला होता है एकदम से, और इसके ऊपर छोटे छोटे
पिट्स पाए जाते हैं इसकी एब्डोमेन और थोरेक्स वाला जो भाग होता है उसके ऊपर छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 3 mm की करीब होती है और इसकी जो विड्थ है वो है 1 mm होती है। ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। प्रोथोरेक्स लार्ज कवर हेड। ये देखिए ये अपन यहाँ पे क्या बना रखा है इसका थोरेक्स और ये बना रखा है एब्डोमेन। ये वाला पोर्शन अपन ने थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा होता है। तो यानी इसका हेड होता है ऊपर की तरफ, उसके बाद में थोरेक्स और उसके बाद में एब्डोमेन, तीन भाग होते हैं बॉडी के। जो ये थोरेक्स वाला भाग होता है उसको भी अपन प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स बोलते हैं। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। इसका जो आगे वाला भाग है प्रोथोरेक्स है वो इतना आगे बड़ा होता है कि इसका हेड, यानी जो इसका हेड होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसका, डाउनवर्डली डायरेक्टेड होता है नीचे की तरफ। जो हेड है वो आगे निकल करके और नीचे की तरफ है। तो अपन इसको ऊपर की से अगर देखें, इस एनिमल को, इस इंसेक्ट को अगर ऊपर से देखें तो अपने को इसका हेड दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक तो वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है, दूसरा इसका जो प्रोथोरेक्स होता है आगे वाला वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा रहता है, इसलिए ये इसका हेड अपने को दिखाई नहीं देता है। तो ये इसका थोरेक्स है। इस थोरेक्स में प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। इसके प्रोथोरेक्स से 2 एंटीनी निकली रहती है, 2 संगिकाएं निकली रहती है, एंटीनी रहती है जो कि 10 सेगमेंटेड होती है। इनमें 10 खंड पाए जाते हैं। तो इसको अपन सूक्ष्म दर्शी में देखें तो इसके अंदर 10 खंड दिखाई देते हैं। और जो लास्ट के जो 3 खंड है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो फ्यूज होकर के क्लब शेप संरचना बनाते हैं। तो इसकी एंटीनी आगे से अपने को क्लब शेप दिखाई देती है। इसके अंदर 3 पेयर लेग्स होती है और 2 पेयर्स है वो विंग्स पाए जाते हैं। तो ये इसकी एक संरचना होती है। लाइफ स्पान इसका 40 से 80 दिन तक का होता है और गर्मियों के सीजन में ज़्यादातर भी इसकी लाइफ स्पैन वो 25 दिन में भी कई बार कंप्लीट हो जाती है। तो ये इसकी अडल्ट की संरचना है। अडल्ट के बाद में देखिए एग। अब यहाँ पर एग अपन ने देखो ग्रुप, समूह है, ग्रुप में भी दिखाया और सिंगल भी दिखाया। ये अपना जो अंडा है, जो एग है वो समूह में भी दे सकता है, 4 या 5 के समूह में भी मिल सकते हैं वो, या फिर एक सिंगल भी दिखाई दे सकता है। तो ये साइलेंड्रिकल है, इसकी बॉडी खुद की भी साइलेंड्रिकल है और इसके जो एग है वो भी साइलेंड्रिकल है, बेलनाकार होते हैं। कब दिए जाते हैं ये? मार्च से लेकर के नवंबर में दिए जाते हैं। इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो क्या है? मार्च टू नवंबर। ग्रुप और सिंगल साइलेंड्रिकल, एक सीजन में पूरे मार्च से नवंबर तक एक जो फीमेल होती है वो लगभग 300 से 500 एग्स देती है। अब लेज नियर एम्ब्रियो ऑफ ग्रेन। अब ये अंडे कहाँ दिए जाते हैं? जो अनाज का दाना होता है, ग्रेन होता है, दाने होते हैं, ग्रेन के ऊपर जो एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है उस पार्ट के ऊपर ये जो अंडे हैं वो दिए जाते हैं, समूह में या सिंगल। इन अंडों की अगर अपन साइज देखें तो इसकी लंबाई 0.7 mm होती है, 0.7 mm, और इसका डायमीटर जो है लगभग 0.2 mm होता है। तो ये इसके जो अंडे हैं उनकी साइज दिखा रखी है। इनका अंडा अगर अपन देखें तो सेंट्रोलेसिथल होता है, जिसके अंदर बीक में, बीच में योग भरा रहता है, और जो क्लीवेज होता है, विदनन होता है, वो सुपरफिशियल क्लीवेज इनके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये एग है वो जो दाना होता है अनाज का उसके एम्ब्रियो के ऊपर दिए जाते हैं। हैचिंग, स्पोटन या हैचिंग, देखिए आप इन लार्वा, इन अंडों का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो गर्मियों के दिन ये 5 से 9 दिन और विंटर के अंदर ये 15 से 21 दिन लेते हैं, और उसके बाद में इसमें से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। और वो लार्वा अंडे के अंदर क्या होता है, इसके एक वरंत होता है, छोटा सा वरंत होता है इस प्रकार से, उस स्थान से ये उसको अपने मुखांग के द्वारा उसको कर्नेल को तोड़ करके वो अंदर प्रवेश कर जाता है। ये इसका लार्वा अपन ने यहाँ पर अनाज के दाने के अंदर दिखाया। इस लार्वा को देखें तो ये सी शेप लार्वा होता है और एम्ब्रियो के वहां से निकल करके और क्रावलिंग करके वरंत को तोड़ता है, और वरंत को तोड़ करके अंडे के वरंत को तोड़ता है और तोड़ करके उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और वहां जाकर के है वो उसका जो दाने के अंदर जितना भी स्टार्च होता है उसको खाता रहता है और उसकी लंबाई है वो बढ़ती रहती है। ये जो लार्वा है वो 3 से 4 बार क्या करता है? मोल्टिंग करता है,
और मोल्टिंग करके वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर उस जगह पे जहाँ पे ये रह रहा है वहाँ पर अगर 23 डिग्री टेम्परेचर है, 23 डिग्री टेम्परेचर है, तो 50 से 54 दिन के अंदर ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है। और अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो ये 28 दिन के अंदर है वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अपन ने प्यूपा दिखा है। तो इस प्रकार का जो प्यूपा है वो काफ़ी, जो लार्वा जो प्यूपा है वो भी दाने के अंदर रहता है और सुसुप्त अवस्था में रहता है। ये 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के पर 3 से 7 दिन तक इसका लाइफ स्पान होता है। यानी दाने के अंदर ये प्यूपा है वो सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर अगर हो तो ये 3 से 7 दिन तक इसका लाइफ स्पान होता है और उसके बाद में ये अडल्ट में जाके कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अडल्ट का लाइफ स्पान है वो 40 से 80 दिन का होता है और गर्मियों में कई बार इसका लाइफ स्पान कम भी होता है। तो ये इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल होती है। अगर इसका डैमेज देखें तो ये मोस्टली डैमेज किस पे करता है, व्हीट, मेज, राइस और मिलेट, जो स्टोर्ड ग्रेन है उनके ऊपर ये डैमेज करता है। पूरे के पूरे जो दाना है उसका कर्नेल्स तोड़ देता है, वो अंदर प्रवेश कर जाता है छिद्र करके लार्वा, और वो लार्वा है उसको स्टार्च को खाता रहता है और पूरा का पूरा जो दाना होता है अनाज का उसको खोखला कर देता है। केवल कर्नल्स, ऊपर का कर्नल्स बचता है और उसके भी टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डैमेज करता है। अब इसके डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाता है, यानी हाँ ये जो जो भंडारित अनाज को जो नुकसान पहुंचाता है उसको कैसे अपन उसको रोका जा सकता है। देखिए ये स्टोर्ड ग्रेन है, भंडारित अनाज के ऊपर लगता है। अब भंडारित अनाज के ऊपर अगर ये लगता है तो अपन किसी भी प्रकार की है वो दवाई का छिड़काव इसके ऊपर, अनाज के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की इंसेक्टिसाइड का अपन अगर छिड़काव करेंगे तो वो मनुष्य के लिए वो जो जो इनको खाता है अनाज को उसको नुकसान होता है। इसलिए सबसे पहले तो ये कि जो अनाज जहाँ जिस जगह पर अपन स्टोर करते हैं तो उस अनाज को पूरा ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद में जो स्टरलाइज्ड बोरियां होती है, बैग्स होते हैं, उनके अंदर उनको भरा जाता है और जिस रूम में इसको रखा जाता है अनाज को, उस रूम को अच्छी तरीके से पहले मेलाथियोन के द्वारा वो पेंट किया जाता है दीवारों को, और फ्यूमिगेशन भी किया जाता है। उसके बाद में उस अनाज को रखा जाता है। उस अनाज को एकदम से सुरक्षित रखने के बावजूद भी उस अनाज में एग्स कहीं से वो एग्स रह जाते हैं, और वो एग्स बाद में जाकर के वो लार्वा बनाएंगे और फिर अडल्ट बनाएंगे तो वहाँ पर भी वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो अगर उस स्टोर्ड ग्रेन के अंदर जो भंडारित अनाज है वहाँ पर अगर इसका इन्फेक्शन हो गया तो अपने पास में कोई चारा नहीं है, केवल एकमात्र चारा है वो है फ्यूमिगेशन। यानी उस अनाज को टार्पलिन के द्वारा, तिरपाल जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में, टार्पलिन के द्वारा ढक दिया जाता है और ढक करके उस रूम के अंदर फ्यूमिगेशन किया जाता है। फ्यूमिगेशन में क्या करेंगे, एक तो फॉस्फिन का फ्यूमिगेशन करते हैं जिससे वो खत्म हो जाते हैं, या फिर मेलाथियोन का है वो फ्यूमिगेशन करते हैं। अगर उस मेलाथियोन का इंसेक्टिसाइड है ये मेलाथियोन, उसका अगर अपन फ्यूमिगेशन करेंगे तो मान लीजिए अगर स्प्रे के रूप में करते हैं, छिड़कते हैं उसके ऊपर अपन, तो स्प्रे के द्वारा अगर करेंगे तो उस अनाज को 90 दिन 90 डेज के बाद में वो खाने योग्य होता है, अदरवाइज वो मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है। और अगर मेलाथियोन को एज डस्ट, यानी कहीं उसमें थोड़ा मिट्टी मिला करके या राख ऐश मिला करके अगर उसको अपन अगर यूज करेंगे उस मेलाथियोन को, तो वो लगभग है वो 25 डेज के बाद में वो खाने योग्य होता है अनाज। तो डैमेज कंट्रोल के लिए अपने पास में राइजोपर्था डोमिनिका का अगर इन्फेक्शन हो गया अनाज में तो उसका एक ही है उपाय है, वो है फ्यूमिगेशन। और वो फ्यूमिगेशन अपन फॉस्फिडिन का भी कर सकते हैं और मेलाथियोन का कर सकते हैं, इसके द्वारा काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था राइजोपर्था डोमिनिका। थैंक्स।